कच्चे नारियल की चटनी बनाने जा रहे हैं। ये देखिएगा, हमने ये कोकोनट ले लिया है और इसको अब हम चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। इसके लिए आप एक छोटा चम्मच नमक ले लीजिएगा और ये इतना आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा और आधा चम्मच जीरा ले लीजिएगा। और ये देखिएगा, मिक्सर के जार में इसको हमने इस तरीके से डाल करके रख लिया है। इसको हमने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, नमक और ज़ीरा आधे आधे चम्मच डाल दिया था। और ये देखिएगा, मूंगफली को इस तरीके से भून करके रख लीजिएगा और इसका आप छिलका उतार करके रख लीजिए। ये देखिएगा, मूंगफली का हमने छिलका उतार दिया। थोड़ा छिलका रह भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, खाने में स्वादिष्ट ही लगेगी चटनी। और ये देखिए, करी पत्ते के साथ इसको हम हल्का सा और इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। और ये हम इसके अंदर अब डाल करके एक बार और इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिएगा, इतनी बढ़िया सी ये मूँगफलियाँ और करी पत्ता एकदम रोस्ट हो गया, तो इसको हम साथ में पीस लेंगे। मसाले हमने सारे डाल ही दिए। ये चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, डोसा, इडली, सांभर, वड़ा के साथ आप खा करके इसका आनंद ले सकते हैं। चटनी इस तरीके से पीस गई है और इसका हम बढ़िया सा तड़का बना करके सर्व करते हैं। निकाल लीजिएगा चौली से बर्तन में, ताकि तड़का लगाने में आसानी होती है। और थोड़ा सा इसी के अंदर पानी डाल करके, बिल्कुल जो भी इसके अंदर मिक्स लगा हुआ है उसको डाल दीजिएगा और चटनी को हल्का सा इसमें मिला लीजिएगा। देखिएगा, चार चम्मच देसी घी मैंने डाल लिया और इसके अंदर हमने राई का छौंक लगा दिया। तड़का बड़ी, एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा डाल दीजिए और ये कभी डाल करके इसका बढ़िया से तड़का तैयार कर। और यहाँ लाल मिर्च पाउडर भी एक चम्मच डाल दे रहे हैं और इसे तड़का लगा दीजिएगा। बढ़िया चटनी बन के तैयार हो गई। आप लोग भी बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा।